उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर चुनाव हुआ। जनता ने अपने मुद्दों पर मतदान किया और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार उत्तर प्रदेश में हुई है। जहां तक सरकार बनने का ना बनने का है, सरकारें बना करती हैं, सरकारें गिरा करती हैं। सरकार में बहुमत नहीं हो तो बहुत लोगों को खुश कर करके सरकार बनानी होती है। सरकारें जब खुश करके बनाई जाती हैं तो कोई और खुश कर देगा तो उधर चले जाते हैं लोग। जानकारी सामने निकल कर आ रही है वो ये है कि अगर प्रधानमंत्री पद भी आप लोग त्यागने के लिए तैयार है, अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार आते हैं, क्या ये स्थिति है? बड़े पोर्टफोलियो भी आप आपके तरफ से त्याग करने की कोशिश? गलत जानकारी है आपके पास। इस प्रकार से कोई चर्चा हमारे में अब तक नहीं हुई है। हमने पहले भी कहा कि मोदी जी बहुत बुजुर्ग नेता है, भगवान का अवतार है, काशी पुत्र गंगा पुत्र है, उनके पास बहुमत नहीं है, फिर भी उनका आंकड़ा बड़ा है, खुद का 240 का कुछ है, 232। तो हमने कहा कि पहले आप उनके बाद हम, तो उनको पहले राष्ट्रपति भवन में जो दावा पेश किया है सरकार बनाने का, तीसरी कसम उनको लेने की इच्छा है, तीसरी कसम लेने दो, फिर चौथी कसम के बारे में हम सोच लें। लेकिन चौथी कसम के लिए आपके पास चंद्रबाबू और नीतीश कुमार जैसे अगर विकल्प है तो उनसे कुछ हो सकता है? तीसरी कसम तो पूरी होने दो, तीसरी कसम होने के बाद चौथी कसम की बात आ जाएगी ना।